इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो महान सामाजिक कार्य करते हैं और प्रसिद्ध बन जाते हैं, और हम भी उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो महान सामाजिक कार्य करते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं होती है और वे पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। उन्हीं में से एक है सुधा मूर्ति, एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका और इंफोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को शेगांव हवेरी कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर आर एच कुलकर्णी एक डॉक्टर थे और उनकी माँ विमला कुलकर्णी एक शिक्षिका थी। उन्होंने बीबीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हुबली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई किया। वह कर्नाटक में पहले स्थान पर रही, जिसके लिए उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने 1974 में भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर से कंप्यूटर विज्ञान में एमटेक भी पूरा किया। वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रही और उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। टेल्को में उनके हायरिंग के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। उन्होंने टेल्को की एक वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट को देखा, जिसके फुटनोट में लिखा था, महिला उम्मीदवार इसमें अप्लाई ना करे। वह इस बात को सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने कंपनी में लिंग भेदभाव के बारे में जेआरडी टाटा को एक पोस्टकार्ड लिखा। जल्द ही उन्हें इंटरव्यू के लिए एक फोन आया और उन्हें नौकरी के लिए चुना गया। सुधा मूर्ति ऐसी पहली महिला इंजीनियर बनी जिन्हें भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता कंपनी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में काम पर रखा गया। तभी वह नारायण मूर्ति से मिली और आखिरकार दोनों ने 10 फरवरी 1978 को शादी कर ली। उनके दो बच्चे हैं, अक्षता और रोहन। उनकी बेटी अक्षता ने ऋषि सुनाक से शादी की, जो ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उनके बेटे रोहन मूर्ति मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी के संस्थापक हैं। 1996 में लोगों की मदद करने के उद्देश्य से सुधा और उनके दोस्तों ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसका नाम इंफोसिस फाउंडेशन है। उसका मिशन है ग्रामीण विकास में सहायता प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाना। सुधा के इंफोसिस फाउंडेशन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 2300 से अधिक घर और इससे अधिक भारत में स्कूलों के लिए 70,000 पुस्तकालय के निर्माण में मदद की है। उसके एनपीओ ने बेंगलुरु के ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 से अधिक शौचालयों के निर्माण में भी मदद की है। यह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंफोसिस द्वारा फंडेड है। सुधा किताबों की भी शौकीन है। वह भारत के प्रसिद्ध लेखकों में से एक है। उन्होंने अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं में कई किताबें लिखी हैं, जो आमतौर पर उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों के आधार पर हैं। उनकी कुछ किताबें हैं हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, द एक्विलेट्स गैलोर, डॉलर बहू और 3000 स्टिचेस। अपने जीवन काल में सुधा मूर्ति ने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जैसे 1995 में उन्होंने रोटेटरी क्लब ऑफ कर्नाटक से श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने 2006 में साहित्य के लिए आर के नारायण अवार्ड प्राप्त किया। इसी साल उन्होंने भारत के चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री भी प्राप्त किया। उन्होंने ऐसे ही और कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं और हमें उम्मीद है कि उन्हें आगे भी ऐसे ही कई पुरस्कार मिलेंगे। सुधा मूर्ति हमारे समाज के लिए एक आदर्श है। उन्होंने हमें सिखाया है कि मानवता और नैतिक मूल्य अनमोल है, जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी सुधा एक बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करना पसंद करती है। वह साल में 3 बार राघवेंद्र स्वामी टेंपल में अपनी सेवाएं प्रदान करती है, जिसके दौरान वह स्वयं ही सड़क में बैठे सब्जी वालों से बिना मोल भाव किए सब्जी खरीदती है, मंदिर के रसोई घर की साफ सफाई करती है, सब्जी भी काटती है और बर्तन भी धोती है। यही उनकी महानता दर्शाता है और हम सबको उनसे सीख लेनी चाहिए।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आगे भी ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट्स एंड स्टोरीज। थैंक यू।